तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल कोरियन स्किन वाइटनिंग क्रीम गाइस, जो कि आपके चेहरे को ग्लास जैसा बनाएगी। जी हाँ, ये वही क्रीम है जिसको आपने कोरियंस को लगाते हुए देखा होगा, और इस क्रीम से उनकी स्किन शीशे जैसी चमकने लगती है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हो, मैंने हाथों पर इस क्रीम को लगाया और मेरी स्किन भी शीशे जैसी चमक रही है। तो नोटिस कीजिए मेरे हाथों के ऊपर इस शीशे जैसी चमक को गाइस। चलो फटाफट से आज मैं शेयर करती हूँ वायरल कोरियन स्किन वाइटनिंग क्रीम। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं निगार आपका दिल से स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। गाइस, मेरा ये मानना है कि जब हम बाहर से भी खूबसूरत दिखते हैं और अंदर से भी हम हेल्दी रहते हैं ना, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। यानी सारे जितने भी काम होते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, हमें लोगों से मिलने में मज़ा आता है, हमें बातें करने में मज़ा आता है, हमें ड्रेसअप होने में मज़ा आता है, हमें मेकअप करने में मज़ा आता है। और अगर कहीं हमारी स्किन की बैंड बजी हो, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हो, या फिर हमारे चेहरे का ग्लो हो गया हो, तो हम अपना कॉन्फिडेंट बहुत ही लो फील करते हैं। ऐसे में आपके लिए आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, मैंने आज अपने लिए ये जैपनीज सीक्रेट स्किन वाइटनिंग क्रीम बनाई है और इसको मैं लगा रही हूँ तकरीबन 2 दिनों से। और यकीन मानो, 2 दिनों के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर इस क्रीम ने इतना मैजिक कर दिया है कि मैं क्या ही बोलूँ। आज आपके साथ मैं यही क्रीम शेयर कर रही हूँ जो कि जैपनीज स्किन वाइटनिंग सीक्रेट है। आपके चेहरे पे ये 4 चांद चमक लगाकर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट, अपलिफ्ट और वाइटनिंग देगी। और यकीन मानो, आपकी आज तक की जितनी भी क्रीम है वो फेल हो जाने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करने से पहले, माय नेम इज़ निगार। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही रेमेडी मैं लेकर आती हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाले खूबसूरत वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो फटाफट से बताते हूं और देखते हैं कि हम ये क्रीम कैसे घर पर तैयार करेंगे। कीप वॉचिंग। वो इंग्रेडिएंट्स ही अपने आप में बहुत मैजिकल है और कुदरती खजानों से मैं चुन चुनकर उन इंग्रेडिएंट्स को लाई हूं आपके लिए। तो यहां पर सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है गाइस, हमें चाहिए राइस यानी चावल, जिसके अंदर मौजूद होती है 60% प्रोटीन। जी हां, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि चावलों के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के नए सेल्स रिजुविनेट करता है, नए सेल्स को बनाने के काम करते हैं। और आपने सुना ही होगा कि कोरियंस यानी जापानीज जो होते हैं, जापान में लोग चावलों का भर भर कर अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे चावल का पानी हो, चाहे चावल का पाउडर हो, चाहे चावल का मांस हो, या फिर राइस क्रीम क्यों ना हो। ठीक है, तो उसी इंग्रेडिएंट्स को हम यहां पर अपनी इस क्रीम में लेने वाले हैं। तो यहां पे कोई भी चावल आपके घर में हो, बासमती हो या फिर कनकी वाला हो, टूटा वाला हो, साबुत वाला हो, व्हाइट वाला हो, कोई सभी चावल चलेगा। आपको उस चावल का 2 टेबलस्पून एक बोल में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पानी से इसको आप वॉश कर लो ताकि चावलों के ऊपर चढ़ी हुई धूल मिट्टी गंदगी ये बिल्कुल साफ हो जाए और हमें साफ सुथरे चावल मिले। इसको आप थोड़े से पानी में सोक करके साइड में रख दो। अब यहाँ पे एक बोल में आपको क्या लेना है, 8 से 10 बादामों की गिरियां आपको लेनी है गाइस। बादाम जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए होते हैं और ये आपकी स्किन को वाइटन, लाइटन और ब्राइटन बनाते हैं। साथ ही साथ दाग धब्बों की अगर प्रॉब्लम है, चेहरे पे बहुत जिद्दी टैन है या फिर आपके चेहरे पे कालापन बहुत ज्यादा है, आपका कलर जो है पहले बहुत साफ था अब बिल्कुल डल होता जा रहा है, तो उसके लिए आप बादाम का जो है फेस पैक या फिर बादाम की क्रीम इस्तेमाल करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म करते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 बादाम लेने। और इसके बाद यहाँ पे आपको लेने हैं ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ। जी हाँ, 10 रुपए के गुलाब मैंने मंगवा लिए थे। अब ये क्या काम करता है गाइस, ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, साथ ही साथ स्किन को नरमियत देता है। अगर आपकी स्किन धूप में जाने की वजह से बहुत जल्दी टैन हो जाती है तो ये आपकी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करते हैं गुलाब यानी रोज पेटल्स, जिसको हम अपनी स्क्रीन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 से 10 बादाम ले लिए और यहाँ पे एक गुलाब से छोटा सा गुलाब होगा तो उसकी पत्तियाँ 20-25 निकलेंगी, उसको आप इसमें डाल देना और यहाँ पे थोड़े से पानी में सोक करके आपको इसको भी रख देना है। अगर रात में आप सोक करके रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो 8 से 10 घंटे के लिए आप इसको भिगो कर रख दीजिए। और जो भी हमारी दोनों चीजें गाइस जब यहाँ पे भीग जाएंगी तो हमें क्या करना है, इसका पानी आपको निकाल देना है। यह यानी चावलों से पानी आप अलहदा कर दीजिए और हमारे रोज पिटल और बादामों से पानी आप अलहदा कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनको हम एक बर्तन में डालेंगे और बर्तन में डालने के बाद यहाँ पे गाइस हमें तकरीबन 1 कप दूध की ज़रूरत है। कच्चा दूध आप ले सकते हो या फिर बॉयल मिल्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसमें दूध डालना है गाइस और दूध डालने के बाद हम इसको धीमी आँच पर यानी गैस पर चलते हैं अपने किचन में और उसके ऊपर चढ़ा देंगे
और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5-7 मिनट का टाइम मुझे लगा है गाइज, और ये हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे जो रोज पेटल्स थी उन्होंने अपना सारा अर्क मिल्क के अंदर डिजोल्व कर दिया है, यानी गुलाब की पत्तियों का अर्क भी दूध के अंदर मिल चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद यहाँ पर आपको इसको ठंडा कर लेना है। जब आप ठंडा कर लोगे तो क्या करना है, जी हाँ, मिक्सर ग्राइंडर में ये सारी चीजें हम डालेंगे, और डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे बहुत अच्छी तरह से, फाइन पेस्ट हमको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो खूबसूरत सा एक ऐसा कलर, एक क्रीमी पेस्ट हमें मिल जाएगा गाइस। अब क्या करना है, हमें इसको छानना है ताकि हमारी जो क्रीम हो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे हम मार्केट में बाजार से खरीदते हैं ना, तो बस वैसी ही कंसिस्टेंसी में आपको ये क्रीम मिलने वाली है, इसमें कोई लम्स नहीं होगा, इसलिए हम इसको छानेंगे। और जितना भी ये अलग वाला पार्ट है जो हमारा निकला है, बचा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हो, आप एज ए मास्क यूज कर सकते हो अपने चेहरे पे, बस पूरे हाथों पे, गर्दन पे इसको लगा सकते हो, और आप इसको छोड़ो आधे घंटे के लिए, और ये आपको बहुत अच्छी स्किन अचीव कराएगा, आपको कोरियन ग्लास स्किन जैसा फील होगा, और पहली स्टेप में आपको बहुत मजा आने वाला है जब एक बार ये पैक लगाओगे, ठीक है। तो इस पैक को आप लगाओ और फ्रिज में रख दो जो बच जाए, बाकी का दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी 5 दिनों तक आपका ये खराब नहीं होगा, इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लो और इसका यूज करो। चलो अब ये क्रीम हम बनाते हैं। यहाँ पे कोरियन क्रीम बनाने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत है, यहाँ पे हमें चाहिए 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल, जो कि मार्केट बेस होना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्रीम को अच्छी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम हमेशा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ बता दूं आपको, एलोवेरा जेल स्किन की एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और हमारी स्किन को सपल और सॉफ्ट बनाता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके जो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। तो 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालना है, और दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर ऐड करना है ग्लिसरीन। वाहिद एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपकी स्किन को पैचिनेस को, ड्राइनेस को खत्म करती है गाइस, और कभी भी आपकी स्किन को रूखा पपड़ीदार नहीं होने देती है, ठीक है। तो 1/2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करिए, और इसके बाद लास्ट में आपको लेने हैं वाइटामिन ई के कैप्सूल, जो कि इवियन 400 हम हमेशा स्किन क्रीम में यूज करते हैं, और आपको ये किसी भी जनरल शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। ये कैप्सूल आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर चमक पैदा करते हैं। अगर आपके चेहरे पे डार्क सर्कल है, रिंकल्स आ रही हैं, झुर्रियां दिख रही हैं, स्किन लटक रही है, या फिर आपकी स्किन का ग्लो खो रहा है, या फिर आप 30 की एज क्रॉस कर चुके हो और अपने चेहरे के ऊपर बहुत सारे निशान देख रहे हो जो कि एजिंग वाले होते हैं, ये उनको खत्म करता है, ठीक है। तो 4 कैप्सूल का ऑयल आप डाल लेना, अगर कैप्सूल नहीं है तो विटामिन ई ऑयल आपके पास है, खालिस बादाम का तेल है, तो 1 चम्मच वो डाल देना। 2 ऑप्शन दे दिए, दोनों में से जो भी हो वो कर लेना, और इन सारी चीजों को अब आपको अच्छे से मिक्स करना है गाइस। बहुत अच्छे से स्पून उठाइए और सारी चीजों को मिक्स कर डालिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस क्रीम को अच्छी कंसिस्टेंसी में आने। आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हो, मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन, ताकि जब भी ऐसे खूबसूरत वीडियो मैं लेकर आऊं आपसे वो मिस ना हो और आप घर पर ही उनका फायदा उठा पाए। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे ये हमारी क्रीम बनकर तैयार है गाइज, क्या ही खूबसूरत क्रीम बनी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी आपको अभी मैं दिखाऊंगी, पहले हम इस क्रीम को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्लास का या प्लास्टिक का कंटेनर आपके पास हो तो उसमें इस क्रीम को आप स्टोर कर लो। स्टोर करके फ्रिज में आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो। इस क्रीम को आप चेहरे पे लगाइए, गर्दन पे लगाइए, हाथों के ऊपर लगाइए। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, मैं अपने हाथों के ऊपर इस क्रीम को लगा के दिखा रही हूँ। क्या ही खूबसूरत ब्लेंड है, क्या ही खूबसूरत क्रीम है, और क्या ही खूबसूरत इसके रिजल्ट आने वाले। देखो मैंने अपने हाथ पे लगाया और इसको एब्जॉर्ब किया, और इंस्टेंटली इसने मेरी स्किन की चमक को बढ़ा दिया है। दूसरे वाले हाथ के कलर को आप देखो गाइज, इसको नोटिस करना मत भूलना। इस हाथ में देखो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, और ये हाथ मेरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बिल्कुल ग्लास जैसा, ठीक है। तो ये क्रीम आपके लिए बहुत मैजिकल साबित होने वाली है। इसको चेहरे पे कैसे लगाना चलो बता देती हूँ। आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद इस क्रीम को लेकर पूरे चेहरे से लेकर नेक पे अप्लाई कीजिए। आप इसको अपने हैंड्स पे लगा सकते हो, आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां तक कि अपने पैरों के ऊपर भी इस क्रीम को लगा सकते हो। जी हाँ, ये मैजिकल क्रीम मैंने यूज करी है 2 दिन गाइस, और कसम से कह रही हूं इतने खूबसूरत रिजल्ट मुझे मिले हैं। मेरी स्किन बहुत ज्यादा टाइट भी लग रही है, बहुत ज्यादा फर्म दिख रही है, और आपको अपने चेहरे पे ना जो एजिंग वाले साइन होते हैं वो भी
फेड आउट होते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही मैजिकल क्रीम है, जापानीज स्किन वाइटनिंग सीक्रेट, जो कि आपके लिए मैंने शेयर करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली को आज की मेरी ये कोरियन स्किन वाइटनिंग क्रीम बहुत पसंद आने वाली है, और आप सब इसका इस्तेमाल करके मुझे आके कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। तो मैंने तो ये क्रीम अपने लिए बना ली है, क्या आप भी जा रही हो अपने लिए ये कोरियन स्किन वाइटनिंग सीक्रेट क्रीम बनाने? अगर बनाने जा रही हो तो मेरे साथ शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ आपके लिए, आपकी क्वेरीज सुनने के लिए। आपकी पर्सनल क्वेरीज है आप मुझे फॉलो करके यहाँ पे शेयर कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हो कि निगार तुम्हारी इस क्रीम ने कैसा मैजिक किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आने वाला है ये वीडियो, और आप सभी जाकर फटाफट से इस क्रीम को बनाने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपकी ही ख्वाहिश आपकी ही फरमाइश लेकर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर से मिलती हूँ 12 बजे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना, और हाँ, मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत करना। टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय।